हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मंडे मूडीज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है तो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हर जगह ट्रैक्स के बारे में वीडियोस, पोस्ट, रील्स सब वही चालू है। मैं इससे पहले कभी ट्रैक गया नहीं, पर इस लास्ट टाइम मेरे को एक्चुअली ट्रैक जाने का बहुत मन में आया था, बट कुछ कारणों की वजह से लास्ट टाइम मैं जा नहीं सका। इस टाइम जैसे ही मॉनसून सीजन चालू हुआ, मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया कि इस बार मेरे को ट्रैक आना है। वो ट्रैक आता रहता है अलग अलग जगह पे, तो इस बार मैंने उसको बोला कि चल ये टाइम मैं भी तेरे को ज्वाइन करूंगा ट्रैक में। तो फिर हम सब सोच में पड़ गए कि जाना किधर है, क्योंकि फर्स्ट ट्रैक था। अगर एकदम टफ जगह पे चले जाओ तो मालूम है आप सबको ट्रैक दूसरी बार जाने का मन करता नहीं है। फिर हम सोच रहे थे कि एकदम टफ ले कि एकदम ईजी बेसिक से चालू करे। इतना सोच विचार करने के बाद फिर हमने सोचा कि थोड़ा बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। गारबेट प्लेटू हमने आने का प्लान किया। गारबेट प्लेटू एकदम टफ भी नहीं है और एकदम इजी भी नहीं है। यहाँ पर आने के लिए आपको सीएसटी से करजत के लिए लोकल ट्रेन लेनी पड़ेगी, जो कि आपको छोड़ेगी निरेल या फिर भीवपुरी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने दो स्टेशन का नाम क्यों लिया, तो दोस्तों ये ट्रैक करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ऐसा है कि आप निरेल स्टेशन उतर के माथेरान पहुंचो और वहां से 3 किलोमीटर ट्रैक करो, जो कि एकदम सिंपल और गारबेट पॉइंट बहुत इजीली पहुंचा देगा आपको। दूसरा रास्ता ऐसा है कि आप भीवपुरी स्टेशन पर उतरो, जो कि निरेल का नेक्स्ट स्टॉप है, और वहां से अराउंड 10-15 मिनट्स के वॉक पे आप पहुंच जाओगे दिक्सल गांव। यहाँ पर गारबेट प्लेटू जाने का एंट्री गेट है। फर्स्ट वाला रास्ता बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है और हम सबको थोड़ा एडवेंचर और थ्रिल वाला ट्रैक करने का था, इसलिए हमने सेकेंड वाले रूट को फाइनल किया। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि गारबेट प्लेटू और गारबेट पॉइंट एक ही है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, और ये बात आपको आगे वीडियो में पता चली जाएगी। जैसे आप आगे चलते जाओगे आपके सामने ये डाइवर्जन आएगा और यहां से आपको राइट लेकर सीधा सीधा जाना है। वैसे आप सबको बता दूं कि ये व्लॉग में आपको गारबेट प्लेटू और पॉइंट के ट्रैक को स्टार्ट टू एंड लाइक कैसे जाना है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, रूट क्या होगा, क्या आप खुद से अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, और बहुत सारे सवाल जो आपके मन में होंगे सबको मैं ये वीडियो के एंड होते होते खत्म कर दूंगा। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। देखते ही देखते हम पहुंच गए अपने पहले चेक पॉइंट पर, और शुरुआत ही इतने खूबसूरत व्यू के साथ हुई है कि आप सब लोग इमेजिन कर ही सकते होगे कि अंजाम कितना मजेदार होने वाला है। ये पूरा रास्ता है जो ये पूरा राउंड एरिया कवर कर रहा है, और उसके बाद जो वाटरफॉल है वहां पर हमें जाना है और फिर आगे का रास्ता कवर करना है। ये जो पूरा है, हाँ ये दिख रहा है, ये पूरा गारबेट प्लेटू है। ये ट्रैक पर आने के पहले मुझे लगता था कि ट्रैक पर जाना हो तो सीधा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ या फिर कोई ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए, वो लोग पूरा मैनेजमेंट देख लेंगे, आराम से अपने को जाके सिर्फ ट्रैक करना है। लेकिन अगर आपका काम 800-900 की जगह 200-300 में हो जाए फिर भी आप यही कहेंगे? और अगर मॉनेटरी टर्म्स की बात ना करूं, फिर भी ये ट्रैक पे आने के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर खुद का ग्रुप हो और पूरा प्लान खुद बनाकर जाना हो तो उसका अलग ही मजा है। मैं भी यहाँ आया था अपने भाई के ग्रुप के साथ और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, उसमें मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अगर आप भी अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ जाने का सोच रहे हो तो मेरा व्लॉग देखने के बाद आप इजीली अपनी पूरी ट्रिप प्लान कर सकते हो। बातों बातों में हम ये छोटे से स्ट्रीम पर आ गए हैं जिसका फ्लो बहुत फास्ट है, तो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना। भाई स्ट्रीम में जाने के बाद तो पूरे शूज और ट्रैक पैंट्स गीले हो गए। वैसे अब तक बारिश तो नहीं है इसलिए हम सब सूखे हुए हैं, पर क्लाइमेट तो ऐसा है
कि अभी या फिर कभी भी बारिश किसी भी वक्त माहौल में चार चांद लगाने के लिए आ सकती है। हम लोग यहाँ से पूरा आए हुए चलते चलते आए, ये मेन बीच में वाटरफॉल आएगा और वहाँ पर जो आपको दिख रहा है हाँ वो भी पूरी वाटरफॉल है, और फिर यहाँ से आपको ये रास्ते होते हुए जाने गए आगे। ये आम का पेड़ अगर आपको रास्ते में दिख गया तो समझ जाना कि आप लोग सही रास्ते पर जा रहे हो। यहाँ पर आपको दूसरे पेड़ भी दिखेंगे, पर ये थोड़ा बड़ा है और दूसरे पेड़ से थोड़ा अलग दिखेगा, और आप इससे आगे बढ़ते जाना। इतना चलने के बाद हमें दिखा ये वाटरफॉल, और इसका फ्लो इतना फास्ट था कि अगर बीच में रॉक्स ना होते तो हम भी बह ही जाते। पानी में जाने के बाद मानो जो सुकून मिलता है, उफ, अब तक की सारी थकान दूर हो गई। आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर इतनी हाइट पर भी पूरा एक मिनी विलेज बना हुआ है, और यहाँ के लोग माउंटेन पर ही स्टॉल्स या फिर फार्मिंग करके अपना गुजारा करते हैं। तो गाइस हमने अभी गांव क्रॉस किया है और हम धीरे धीरे आगे चलते हुए आ रहे हैं। फिलहाल तो बारिश बंद है, पर बारिश का तो आपको मालूम है कुछ भरोसा नहीं है, कभी आ जाए कभी वापस बंद हो जाए। अभी धीरे धीरे हम लोग चलते हुए जा रहे हैं, अभी आगे का रास्ता कुछ हम लोग को मालूम नहीं है, बट लेकिन देखते हैं कुछ ना कुछ तो क्लू मिल ही जाएगा। चलते चलते हम जा रहे थे, हम लोग को हमारा एक दूसरा चेक पॉइंट मिला है। अभी ये वेल है और यहाँ से अगर राइट मारेंगे तो ये स्ट्रीम आएगी, स्ट्रीम को क्रॉस करते हुए आपको आगे जाना पड़ेगा, और आगे अभी देखते हैं उसका रास्ता कैसे होता है। गाइस ऑलमोस्ट 25-30% का कंप्लीट हुआ है। ये वेल है, ये वेल से आपको एक चेक पॉइंट मिल सकता है, यहाँ से ऐसे जाके ये वाले रास्ते पे जाने का रहेगा आप लोगों को। ये वाला रास्ता है, ये नहीं है, अपन यहाँ से ये वाला है, ये वाला रास्ते पे जाना रहेगा आपको, और आगे पे दूसरा और एक कोई भी चेक पॉइंट आएगा आपको दिखा दूंगा। तो गाइस यहाँ पर जो वेल हम लोगों ने आपको दिखाया वो वेल है, वेल से आप सीधे सीधे आओगे तो आपको ये चेक पॉइंट टाइप मिलेगा, ये शॉप है, ये इसको चेक पॉइंट समझ सकते हो आप। फिर अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सामने हैं वैसे वापस जाओगे ना वो साइड पे, तो वो साइड पे आपको ट्रेल मिलेगा गार्बेट प्लेटू का। बीच बीच में आप लोग थक जाओगे या फिर कुछ भी अगर रिफ्रेशमेंट चाहिए तो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट्स के लिए अलग अलग आइटम्स आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग अलग स्टॉल्स मिलेंगे, जिसमें आपको फरसान, फिर नींबू पानी, भुट्टा, अलग अलग ऊपर जाके चाय भी आपको है अवेलेबल। जरूरी होगी ना काकी, चाय मिलते है यहाँ पर भी, चाय अवेलेबल आपको हर जगह पर, स्टॉल पर चाय मिल जाएगी। आए है कितना मनमोहक व्यू है, और एक सुकून तब महसूस होता है जब एक पॉइंट पर आके कोई आपसे कहे कि भाई अपने आधा ट्रैक कंप्लीट हो गया है।
धीरे धीरे करके हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे और इस नेचर का मजा लिए जा रहे थे। और जब हम गार्बेट प्लेटू पर पहुंचे, ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ थम सा गया हो, हमारी पिछले 2 घंटे की मेहनत रंग लाई हो और हमारे दिल को एक अलग ही सुकून की अनुभूति हो रही हो। फाइनली पहुंच गए हम लोग गार्बेट प्लेटू। ये जो पूरा है गार्बेट प्लेटू है और सामने जो स्टीप से माउंटेन दिखाई दे रहा है ना, वो टॉप पर गार्बेट पॉइंट है और हमें अभी वहीं पर जाना है। वो इससे एक और कदम आगे है, इससे स्पाइडरमैन जैसे चलना होगा। बहुत लोग गार्बेट प्लेटू पर ही आकर यहाँ से रिटर्न चले जाते हैं और हम उनमें से नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि क्यों गार्बेट प्लेटू और गार्बेट पॉइंट अलग अलग है। गाइस, गार्बेट प्लेटू से गार्बेट पॉइंट जाने के लिए अगर आप सीधा सीधा चलते आते हो तो 3 रास्ते आते हैं। ये साइड से घूम के और ये साइड से घूम के, दोनों साइड बहुत लंबा होता है और रिस्की है। बीच में से जाओगे तो आपको फटाफट पहुंच जाओगे आप अच्छे से गार्बेट पॉइंट। अगर ये ट्रैक के बारे में कहूँ तो ये ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा चढ़ने उतरने के टाइम पे, स्पेशली जब बारिश हो तब। पर ये ट्रैक रिस्की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका पैर फिसलता भी है तो आप थोड़े पॉइंट तक आके ही स्लिप होगे, फिर आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट के लिए मिल ही जाएगा। गार्बेट प्लेटू जाने का रास्ता थोड़ा स्टीप जरूर है, पर यहाँ पर आने के बाद जो व्यू मिलता है आपकी पूरी थकान दूर कर देगा। ये पॉइंट से एक रास्ता माथेरान साइड जाने के लिए निकलता है। अगर आप ये पॉइंट पर आके थक जाते हो या फिर नीचे उतरने के टाइम पर आपको थोड़ा रिस्की लगता है, तो आप यहाँ से माथेरान जा सकते हो और वहां से नीरल स्टेशन जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये प्लेस और ये वीडियो पसंद आई होगी। सच कहूँ तो गाइस, फर्स्ट ट्रैक में हालत तो बहुत खराब हुई हम सबकी, पर मजा बहुत आया। आप भी अगर बिगनर्स हो या फिर ट्रैक करना चालू करना चाहते हो तो ये ट्रैक आपके लिए ही है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले मंडे एक नए प्लेस और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।